हे गाइस, वेलकम टू माय सिन चैनल। तो गाइस, क्या जेको फाटू को समर स्लैम में मैच मिल सकता है अगेंस्ट हमारे कोडी रोड्स? और क्या वो रोमन रेंज के सीक्रेट बंदे बन के आए हैं ब्लड लाइन में? एंड गाइस, हमारे कोडी रोड्स क्या इंजर्ड हो चुके हैं? मनी इन द बैंक में क्या हमारे डेमियन भी हरा देंगे सेथ फ्रीकन रॉलिंस को? और क्या हमारे शीनो मैक जा रहे हैं AEW में, कंफर्म है? तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस एक वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सकें। एंड अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो गाइज, फर्स्ट अपडेट तो जेकब फाटू से जुड़ी हुई है। उनकी मर्चेंडाइज टॉप नंबर 2 सीलिंग पे आ चुकी है, जिसे ये बात चल रहा है। एंड गाइज, बंदे ने आते ही 3 टॉप स्टार्स को ठोक के रख दिया, मतलब तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको पता ही है कौन है 3, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड हमारे कोडी रोड्स। एंड तीनों को बुरी तरह गाइज मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड गाइज, उसके बाद कोडी रोड्स एक नेक्स्ट लाइव इवेंट पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी रिब्स में इंजरी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग स्लैश लगाई थी टेबल पे। तो गाइज, उसके घर उन्होंने कहा कि मेरी रिब्स जो टूट चुकी हैं, कि मेरा ऐसा हो चुका है, लेकिन मुझे कह रहे थे मतलब बैकस्टेज कि तू मत रसल कर, लेकिन मैं रसल करूँगा एंड मैं नेक्स्ट लाइव इवेंट में भी आऊँगा, तो मैं ये चीज़ करूँगा बिकॉज आई लव माई करियर एंड लव रेसलिंग। एंड गाइज, उन्होंने ये चीज कही और उन्होंने वार्निंग भी दी। पर गाइस, यार सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये जो है ये स्टोरी लाइन का पार्ट है। बिकॉज द रीजन, यार अगर WWE स्टार थोड़ा सा भी इंजर्ड हो ना, उसे परफॉर्म नहीं करने देते। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन एंड दिस इज स्क्रिप्टेड। बिकॉज ऑफ द रीजन, आपको पता है यार, अगर इमेजिन करो शार्लेट फ्लेयर की नी इंजरी है, तो वो क्या WWE में परफॉर्म कर रही है? नहीं कर रही है ना, बिकॉज ऑफ द रीजन वो इंजर्ड है। तो गाइस, अगर कोडी रोड्स की इंजरी होगी तो वो नहीं परफॉर्म करेंगे। हाँ करेंगे, बट उस लेवल का नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ द रीजन, यार बॉडी फर्स्ट होती है, तो इसलिए। तो गाइज, वही चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं एज अ स्क्रिप्टेड वाइज, स्टोरी लाइन चल रही है परफेक्ट। एंड उन पर फ्रॉक स्टाइल लगाई तो उनका कुछ तो कुछ, तो जैसे CM Punk का दिखाया गया कि उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया एंड बाद में वो कार से जा रहे थे, वो सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइज, वो जुड़ी है हमारे जेकब फाटू का कोडी रोड से क्या मैच हो सकता है? ऑड्स कनेक्ट हो रहे हैं गाइज, इनका मैच हो सकता है। बट गाइज, माना जा रहा है पहले सोलो स्कूअ का मैच होगा, लेकिन गाइज जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया, यार अटैक तो हर कोई करता है। जैसे आप देखो, आपको पता होगा क्लैश ऑफ द कैस्टल में पिछले वाले साल की, वहाँ पर सोलो स्कूअ का डेब्यू हुआ था, उन्होंने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक किया था, मतलब ड्रू मैकइंटायर को मतलब डिस्ट्रैक्ट किया था। इसका मतलब ये ड्रू मैकइंटायर के साथ उनका मैच फिक्स हो गया था। बट एट दी एंड सोलो स्कूअ को उसके बाद पुश मिलना स्टार्ट हुआ। एंड गाइज, जेकब फाटू आए हैं, उन्होंने हेल्प की है सोलो स्कूअ की बचने के लिए। एंड सोलो स्कूअ को मैच मिलेगा, जेकब फाटू को नहीं मिलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। बिकॉज जेकब फाटू को बिल्ड किया जाएगा, बिकॉज उन्होंने बनाया जा सकता है ट्राइबल चीफ नेक्स्ट। जैसे रूमर रहेंगे नीचे सोलो स्कूअ थे, वैसे सोलो स्कूअ के नीचे जेकब फाटू होंगे, जेकब फाटू होंगे नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। सोलो स्कूअ उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए न्यू ट्राइबल एयर, जैसे सोलो स्कूअ को रूमर रेंज ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू ट्राइबल एयर की तरह, वही चीज़ सेम करने वाली है WWE। तो उस चीज़ को रिलेटेड WWE जाने वाली है, मतलब ये चीज़ होगी एंड नेक्स्ट आप स्मैकडाउन में आपको देखने को भी मिलेगी। एंड गाइस, हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है शेनो मैक से। तो गाइस, फाइटफुल से कहा है कि हाँ, शेनो मैक ने बात की ऐसे वैसे, मतलब मेजर टॉक नहीं की, मतलब थोड़ी बहुत टॉक की है। एंड उन्होंने हमारे टोनी खान से बात नहीं की, जो कि CEO है AEW के, उन्होंने ऐसे ही किसी रेसलर से बात की होगी, बट उन्होंने कोई ऐसी मेजर बात नहीं की कि कहीं ऐसा लगे कि वो AEW में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। बाय द वे यार, अगर AEW में उन्हें जाना होगा तो वो चले जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी है। बाय द वे, अपनी मर्जी होती है सुपरस्टार की, अगर उन्हें जाना होता तो वो चले जाएंगे, बाकी नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने टैलेंट से बात की है, AEW के CEO से थोड़ा ना बात की। अगर AEW CEO से बात करनी है उन्हें, अगर जाना तो उन्हें AEW के CEO से बात करनी होगी, देन वो जा सकते हैं। That is a reason. If you go in any company, अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो उसके CEO से बात करनी होगी। एंड टोनी खान CEO हैं AEW कंपनी के, एंड उनसे बात करनी होगी, तो ये चीज़ आई है निकल के सामने। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस, बोल रही है गोल्डबर्ग से। तो गाइस, माना जा रहा है गोल्डबर्ग के लास्ट मैच दे सकते हैं। वैसे भाई यार, मुझे नहीं लगता है उसे बुलाना चाहिए, गोल्डबर्ग ओल्ड बंदे हो चुके हैं एंड विंस मैकमैन के टाइम पे टाइम वेस्ट किया जाता था, लेकिन यार अब नहीं। बिकॉज ऑफ रीजन, गोल्डबर्ग एक ओल्ड बंदे हो चुके हैं, हाँ आते हैं यार 2-2.5 मिनट के मैच देते हैं, बट यार उस लेवल के नहीं जाती। आपको पता है कैसे ठूस हाइप हो जाती है उनकी, तो मुझे लगता है यार लाना चाहिए गोल्डबर्ग को बैक। लाएंगे तो यार क्या, मतलब ओल्ड एज मैच देंगे, एक मैच दे लेंगे उसके बाद क्या होगा। तो माना जा रहा है गोल्डबर्ग आ सकते हैं मैच देने, बट मुझे लगता है यार मतलब
है कि हाँ यार उस लेवल का मैच दे देंगे। एज उनकी हो चुकी है, अंडरटेकर भी तो रिटायर हो गए, वो रसलमेनिया 40 में सिर्फ एक मूवमेंट देने आए थे। तो गाइस बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं मनी इन द बैंक के सेथ फ्रीकर रॉलिंस एंड हमारे डेमियन प्रीस्ट के। तो डेमियन प्रीस्ट क्लियर फेवरेट है कि वो जीत सकते हैं एंड सेथ फ्रीकर रॉलिंस अंडरडॉग है। एंड गाइस ये कंफर्म है कि डेमियन प्रीस्ट जीतेंगे, वो अपनी टाइटल हारने नहीं वाले। बिकॉज ऑफ रीज़न वो सेथ फ्रीकर रॉलिंस मैच इसलिए कर रहे हैं, सेथ फ्रीकर रॉलिंस का ओवर होंगे मैच करके, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट अगर हारना होता तो ग्लासगो में हार जाते हमारे ड्रू मैकइंटायर से। तो गाइस वहाँ नहीं आ रहे, तो यहाँ आ रहे हैं। डेमियन प्रीस्ट को बिल्ड किया जा रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता हारेंगे। एंड बैटिंग ऑर्ड्स में वो क्लियर फेवरेट है कि वो अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है क्या गाइस, हमारे रूमर रेंज के सीक्रेट बंदे बन के आए हैं जेकब फाटू। तो क्या गाइस ये हो सकता है? तो गाइस यार देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेकब फाटू ब्लड लाइन 2.0 में, दूसरी बात है कि रूमर रेंज अभी आए नहीं है। तो गाइस ऐसा हो भी सकता कि ये चीज़ हो, बाकी गाइस ट्विस्ट एंड टर्न तो बाद में पता चलेंगे। अभी तो जेकब फाटू जे सोलो स्कोआ के साथ है, तो माना जा रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ होगी। कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मतलब एज अ बन के आए हैं। ज़िला फाटू हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ज़िला फाटू भी सोलो स्कोआ की ही ब्लड लाइन में आएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है ये चीज़ ही होगी, क्योंकि ब्लड लाइन को बिल्ड किया जा रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो क्रिमिनल ऐड किए जा रहे हैं, क्रिमिनल ही आएंगे, ये चीज़ें मैटर करती। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे निक एल्डर्स एंड एडम पियर्स से। एडम पियर्स के गाइस जो है मतलब अपने हैंडल को हैक कर लिया गया था वाइट सेक्स के द्वारा। तो गाइस उसके बाद एक ट्वीट आया जिसमें लिखा रसलिंग लैमिया ने कि हाँ ये चीज़ है कि ये पजस हुए या नहीं हुए। तो गाइस उस पर उन्होंने कहा नो, ट्वीट पे उन्होंने कह दिया नो मैं पजस नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसी वाहियासी चीज़ चला रहे हैं। तो गाइस वैसे ही चीज़ हुई है, इन्होंने ट्वीट किया और बताया कि आई एम नॉट पजस विद वाइट सेक्स। तो ये ऐसे ही था, हैक हो गया था उनका अकाउंट, ऐसे दिखाया गया स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ अपडेट है। तो गाइस हमारे फाइनल अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे न्यू मेंबर ऑफ ब्लड लाइन। तो गाइस क्या न्यू मेंबर जो ब्लड लाइन के होने वाले हैं वो कब तक आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में? बिकॉज ऑफ रीज़न गाइस अभी तक जेकब फाटू है तो अभी नहीं कराएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू। एंड गाइस जेकब फाटू तो पहले से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में मौजूद थे एंड उसके बाद आए हैं वो, ये रीज़न है सबसे बड़ा। तो गाइस जेकब फाटू उससे पहले मतलब थे। एंड गाइस अब ज़िला फाटू एंड इको लियो का है, तो गाइस वो समर स्लैम से पहले नहीं आने वाले। तो मनी इन द बैंक एंड समर स्लैम में भी एक डेब्यू हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डेब्यू को ऐसे क्रिप्टिक वे से कर रही है जैसे अलग मतलब वे लगे कि हाँ बहुत अच्छा है। एंड रोमन रेंज का डेब्यू रिटर्न जो है सबसे खतरनाक होगा, एंड रोमन रेंज जब आएंगे वो होगा नेक्स्ट लेवल रिटर्न। बिकॉज वी वांट रोमन के चैनल लगे रहे हैं सोल स्कॉन का, वो आएंगे नहीं, तो क्या वो आ जाएंगे, वो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो ये अपडेट्स थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो